नमस्ते हिंदुस्तान, मैं नवीन मेहता। मैं अपने YouTube चैनल नवीन लॉ लाइव पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवाइजरी हम डिस्कस करेंगे, जो GST डिपार्टमेंट की तरफ से जो है न अभी इन आज के डेट में रिलीज किया गया। 17 अक्टूबर 2021 को रिलीज किया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ डेट लिखा हुआ है 17 अक्टूबर 2021, और ये अप्लीकेबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड है। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह का अपडेट्स तक मिलता रहे आप तक। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये एडवाइजरी इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड क्या इम्पोर्टेंस एडवाइजरी है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। एज पर फर्स्ट नंबर में, एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ जीएसटी, सॉरी सी जीएसटी एक्ट 2017, नो टैक्स पेयर सेल टैक्स इनपुट क्रेडिट इन रेस्पेक्ट रिकॉर्ड्स इनवाइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न फॉर मंथ ऑफ सितंबर 2021। मींस एज पर सेक्शन 2000 सॉरी एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएस एक्ट 2017 के अनुसार में कोई भी टैक्स पेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएगा अपने इनवॉइस या डेबिट नोट के लिए अगर वो रिटर्न फाइल करते हैं फिनेंशियल ईयर 2020 से 2021 का, आफ्टर जो ड्यू डेट ऑफ जो ना सितंबर का रिटर्न जो है, अगर सितंबर का रिटर्न का ड्यू डेट जो है उसके बाद अगर रिटर्न फाइल करेंगे, वो रिटर्न फाइल अगर 2020 से 2021 का जो है फाइल करना है, तो फिर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो आपका अवेलेबल नहीं होगा, वो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ कहने का ये हुआ कि 2020 से 2021 के बीच में जिस व्यक्ति को जो है किसी तरह का एरर हो गया था या इनवॉइस छूट गया था या फिर जो है ना उन्होंने किसी तरह का जो है ना मिस्टेक किया था रिटर्न फाइल करने में, तो वो रिटर्न फाइल करने का अभी लास्ट डेट जो है वो सितंबर का जो रिटर्न फाइल होता है उसमें आप सितंबर के रिटर्न फाइल में आप करेक्शन कर सकते हैं। उसी के बारे में है कि अगर वो सितंबर का रिटर्न फाइल अगर ड्यू डेट के बाद आप करते हैं, तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020, मीन्स सितंबर मंथ का रिटर्न जो फाइल करना है उसका ड्यू डेट के जो होगा उसके बाद अगर रिटर्न फाइल करेंगे तो फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। फिर सेंटेंस कहता है, द ड्यू डेट फॉर जीएसटी आर 3B फॉर सितंबर 2021 इज आइदर 20 अक्टूबर 2021 फॉर मंथली पैलर्स या फिर 22nd एंड 24 अक्टूबर डिपेंडिंग ऑन द स्टेट एंड यूटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सपेयर। मीन्स जीएसटी 3B फाइल करने का मंथली वाले का जो है वो सितंबर मंथ का जो रिटर्न फाइल करेंगे वो 20 अक्टूबर है। फिर जो है ना 22 और 24 अक्टूबर भी है जो स्टेट वाइज की जो रिलैक्सेशन दिया गया है, ये क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं उसके लिए, और फिर जो है मंथली रिटर्न फाइल भी करते हैं उसके लिए, तो स्टेट वाइज इसको रिलैक्सेशन दिया है। तो समझ लीजिए कि 20 अक्टूबर 22 अक्टूबर 24 अक्टूबर GST-R 3B फाइल करने का ड्यू डेट है। तो अगर इसके बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो फिर आपका जो है RTC जो है वो अवेलेबल नहीं होगा, वो फिनेंशियल ईयर 2020 से 2022 तक का जो करेक्शन करेंगे, और जो करेक्शन करने के समय में अगर आप चाहते हैं कि आपका RTC बढ़ जाएगा तो वो इशू हो सकता है। तो उसी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, इन व्यू ऑफ द सेम द फॉलोइंग मे काइंड बी नोटेड, मीन्स
इस सबको देख, ऊपर का जो भी स्टेटमेंट दिया गया उस सबको देखते हुए कुछ टू जो है पॉइंट इसमें एडवाइजरी दिया गया है जीएसटी डिपार्टमेंट से। और ये एडवाइजरी क्या, रिकॉर्ड्स इनवॉइस एंड और डेबिट नोट्स पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2020 से 20 में रिपोर्टेड इन GSTR 1 आफ्टर ड्यू डेट GSTR 3B ऑफ सितंबर 2021 विल नॉट रिफ्लेक्ट ITC अवेलेबल एंड GSTR 2B ऑफ द रिसिपियंट। मीन्स अगर आप GSTR 1 में करेक्शन करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 से 20 से 21 का जो फाइनेंशियल होता है उस बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है आपका सेल का, और वो सेल का ट्रांजेक्शन में अगर आप जो है मिस्टेक हुआ है, मीन्स मिस्टेक मीन्स आपका इनवॉइस छूट गया है GSTR 1 में डालने के लिए, या फिर इनवॉइस आपने रॉन्ग रूप से डाल दिया, या फिर डेबिट नोट जो है वो आपका छूट गया है, या डेबिट नोट नहीं डाल सकते डाल पाए हैं, और जो भी एक्चुअल फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 21 था उसमें नहीं डाल सकते, अभी लास्ट चांस है GSTR 1 में डालने के लिए। और ये लास्ट चांस जो GSTR 1 का था वो 10 अक्टूबर था, सितंबर मंथ का, लेकिन अभी है कि आप ये डाल सकते हैं तब तक जब तक GSTR 3B का ड्यू डेट समाप्त नहीं हो जाता है, तभी आपका जो है RTC का जो भी करेक्शन करेंगे अगर इनवॉइस छूटा है तो रिसिपिएंट को RTC मिल पाएगा। अगर आपने जो है डेबिट नोट इशू किया है और डेबिट नोट नहीं डाल पाया है तो वो आप डालेंगे तभी जो है ना आपका उनको जो है जो भी रिसिपिएंट है उनको बेनिफिट हो पाएगा। वही कहता है कि ये GSTR 3B ऑफ सेप्टेम्बर 1 का ड्यू डेट के पहले आपको डालना पड़ेगा जो है, तो वही आप फिर से आपको मैं बताता हूँ, रिकॉर्ड्स इनवॉइस और डेबिट नोट्स पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल 2020 से 20 में रिपोर्टेड इन GSTR 1 ड्यू आफ्टर ड्यू डेट GSTR 3B ऑफ सेप्टेम्बर 2 विल नॉट रिफ्लेक्ट ITC अवेलेबल इन GSTR 2B ऑफ द रिसिपियंट। मीन्स आप अगर GSTR 1 जो में जो करेक्शन करना है आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 का, और वो अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं यानी करेक्शन कर रहे हैं ड्यू डेट ऑफ GSTR 3B ऑफ सेप्टेम्बर के बाद, तो जो भी रिसिपियंट होगा उसके जो GSTR 2B में ये RTC अवेलेबल नहीं दिखाएगा, मीन्स RTC उनको 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। सपोज कीजिए कि सेलर है, सेलर वो GSTR 1 में आफ्टर रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट जो है GSTR 2B का 20 है, और उन्होंने GSTR 1 जो है 21 को फाइल किया, अपने रिटर्न फाइल करने का जो भी उसका एज ए स्टेचुअल वे में 20 या 22 या 24 जो था उसके ड्यू डेट के बाद फाइल करता है, तो जो भी रिसिपियंट होगा उनका RTC अवेलेबिलिटी GSTR 2B में नहीं दिखेगा। सच रिकॉर्ड्स विल रिफ्लेक्ट इन RTC नॉट अवेलेबल, मीन्स जो भी RTC ये पास करेंगे सेलर वो RTC उनका नॉट RTC नॉट अवेलेबल का जो सेक्शन होता है वहां पर उनको दिखेगा, और वो GSTR 2B के सेक्शन में नॉट अवेलेबल का जो होता है GSTR 2B का जो ना जनरेट होता है ऑटो पॉपुलेटर जनरेट होता है उसमें उनको नॉट अवेलेबल के सेक्शन में दिखेगा। सच RTC इन टर्न नॉट बी ऑटो पॉपुलेटेड इन GSTR 3B, और इसका रिजल्ट क्या होगा GSTR 2B भी जो ये नॉट अवेलेबल के सेक्शन में दिखेगा वो ऑटो पॉपुलेटेड GSTR 3B में नहीं दिखेगा। यह कहने का ये अर्थ हुआ कि अगर सेलर GSTR 3B के ड्यू डेट के बाद GSTR 1 फाइल करते हैं तो जो है रिसिपियंट का जो होगा मीन्स बायर जो होगा बायर का GSTR 2B में वो डेटा नॉट अवेलेबल RTC के सेक्शन में दिखेगा, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि जब जो है बायर या रिसिपियंट जो है उनका GSTR 3B में ऑटो पॉपुलेटेड RTC नहीं दिखेगा या फिर ऑटो पॉपुलेटेड वहां पे नहीं दिखेगा या नहीं दिख पाएगा वहां पे, और जिसके कारण होगा कि उनको लॉस ऑफ RTC हो जाएगा, उनको कैश से जो भी उनको लायबिलिटीज बनती है कैश से पे करना पड़ जाएगा।
सेकेंड है रिकॉर्ड्स इनवाइस और डेबिट नोट पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2020 से 20 में रिपोर्टेड इन जीएसटीआर 1 आफ्टर ड्यू डेट ऑफ जीएसटीआर 3B ऑफ सितंबर 2021 विल आल्सो नॉट रिफ्लेक्ट एज आरटीसी एज पर जीएसटीआर 2A इन टेबल 8 ऑफ जीएसटीआर 9 ऑफ द रिसिपिएंट मींस इसका जो फर्स्ट का जो रिजल्ट होगा तो जीएसटीआर 3B में नहीं दिखेगा। फिर कहता है कि जो व्यक्ति जो है फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 का रिपोर्ट करेंगे जीएसटीआर 1 में आफ्टर डेट ऑफ जीएसटीआर 3B तो उसका प्रॉब्लम और होगा या मीन्स उसका रिजल्ट ऐसा भी होगा कि वो उनका जीएसटीआर 2A में भी उनका आरटीसी नॉट अवेलेबल नहीं होगा और आरटीसी नहीं दिखेगा 2A में और जिसका रिजल्ट क्या होगा उनका एनुअल रिटर्न का जो रिटर्न जीएसटीआर 9 है उसमें भी रिसिपिएंट को टेबल 8A में नहीं दिखेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि एनुअल रिटर्न ऑफ जीएसटीआर 9 जब फाइल करते हैं वहां पे टेबल 8A में रिसिपिएंट को क्या पास ऑन हुआ है बाय द सेलर आरटीसी वो उनकी अवेलेबिलिटी दिखती है और ये अवेलेबिलिटी नहीं दिखेगी उनको बाद ऑटो पॉपुलेटेड तो इससे क्या हो जाएगा कि उनको लॉस ऑफ आरटीसी होगा रिसिपिएंट को मिस्टेक ऑफ द सेलर यानी सेलर मिस्टेक करेंगे और जिसके कारण रिसिपिएंट को लॉस ऑफ आरटीसी हो जाएगा। फिर कहता है इट इज रिक्वेस्टेड दैट द टैक्सपेयर मे टेक नोट ऑफ द अबव एंड एंश्योर दैट रिकॉर्ड pertaining to financial 2020-21 are reported on year before the due date of their GSTR 3B for the month of September. Means, इसलिए जो है second में GST department request करती है taxpayer से as per for financial year 2020-21 के लिए जो भी उनको correction करना है वो GSTR 3B का due date या फिर due date के पहले वो अपना करेक्शन कर ले ये मंथली के लिए फोर क्वार्टर ऑफ जुलाई टू सितंबर इनकेस क्वार्टरली जीएसटीआर फाइलर और फिर जो है ये मंथली के लिए था जो है अब है कि क्वार्टरली के लिए क्वार्टरली जुलाई से सितंबर का भी जो भी फाइल करेंगे वो भी क्वार्टरली जीएसटीआर 3B का जो ड्यू डेट है उसके पहले वो जीएसटीआर 1 फाइल कर ले नहीं तो ऊपर में जो दो दो जो है ना रिजल्ट दिए हुए हैं लॉस ऑफ आरटीसी हो जाएगा रिसिपिएंट को मिस्टेक के कारण जो है ना जो मिस्टेक किया जाएगा सेलर के द्वारा इसलिए सेलर से जो भी टैक्सपेयर हैं या जीएसटी सेलर जीएसटी का से जो गुड्स का सेलर हैं वो सेलर टाइमली जीएसटीआर 1 फाइल कर दें ड्यू डेट ऑन या बिफोर जीएसटीआर 3B वही फिर कहते हैं एबिलिटी ऑफ आरटीसी बाय रिसिपिएंट कंट्रेरी टू मे लीगल प्रोविजन जीएसटी में एंटर एक्शन बाय टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन अकॉर्डेंस विद लॉ मींस एबिलिटी ऑफ जीएसटी बाय द रिसिपिएंट मींस रिसिपिएंट अगर सही तरीके से टैक्स पे जो है ना आरटीसी नहीं लेते हैं जो एबिलिटी है रिसिपिएंट को टैक्स पे रिसिपिएंट को ये आरटीसी वो अगर अवेलेबिलिटी से ज्यादा अगर आरटीसी ले लेते हैं अपने इनवॉइस के बेसिस पे तो वह जो है कंट्रेरी टू लीगल प्रोविजन ऑफ जीएसटी होगा और टैक्स जो है ना एंटर टू एक्शन बाय द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग विद लॉ मींस लॉ के अनुसार में रिसिपिएंट के ऊपर टैक्स डिपार्टमेंट जो है एक्शन चालू कर सकती है अगर वो अवेलेबिलिटी ऑफ आरटीसी से ज्यादा वो आरटीसी ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो में यही देखा कि अभी जो एडवाइजरी जो आया हुआ है जीएसटी के डिपार्टमेंट के तरफ से आरटीसी से रिलेटेड ये कितना इम्पोर्टेंस है अगर आप ड्यू डेट पर जो है या फिर ड्यू डेट के पहले जीएसटीआर 3B का जो ड्यू डेट है उसके पहले अगर जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करते हैं तो रिसिपिएंट को बहुत ही लॉस होगा आरटीसी का और ये आरटीसी का लॉस जो है रिसिपिएंट को कैश में पे करना पड़ेगा अगर वो रिसिपिएंट
अगर आरटीसी ले लेते हैं जो अवेलेबिलिटी है जो है एज पर उनका GSTR 2A और GSTR 2B के अनुसार में, उससे ज्यादा अगर लेंगे तो फिर वो जो है उनको जीएसटी डिपार्टमेंट के तरफ से एक्शन फेस करना पड़ेगा और पेनाल्टी भी लग सकती है, या फिर उनको जो इंटरेस्ट पे भी करना पड़ सकता है उनको, जो एक्सेस अमाउंट हो आरटीसी लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।